Hello, Bacha Party, welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the subject and then you realize that you are in Ishkumapad with the subject. सो so, बच्चा पिछले कई दिनों से आ, ये अपडेट्स अपडेट्स के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हो बट मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाता बिकॉज आप में से जितने भी बच्चे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ के लिए वीडियो को रीशूट करा है तो क्लास ट्वेल्थ की वीडियो फिजिक्स की भी आ रही है केमिस्ट्री की भी आ रही है ऐसे में मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं ये वीडियो बनाऊँ फिर भी मैंने दो दिन पहले एनालिसिस करा उसके बाद मेरे सामने कुछ चीज़ें आई और फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सी से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करता हूँ सबसे पहले तो क्लास टेंथ के बच्चे जो भी देख रहे हैं क्लास टेंथ के बच्चे उनके लिए ये न्यूज़ आ रही है सी की तरफ से कि सी ने डिसाइड करा है कि जितने आपके एग्ज़ाम बाकी हैं टेंथ क्लासेस के अंदर आई थिंक कुछ सब्जेक्ट के रह गए हैं वो अब नहीं होने वाले हैं ये तो श्योर sure है और जो आपका रिजल्ट अपडेट होगा प्रो डेटा के बेसिस पर होगा दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस स्कूल में जो मार्क्स होते हैं ना फाइव फाइव परसेंट आई थिंक कुछ सब्जेक्ट वाइज जो टीचर होते हैं वो आपके स्कूल में मार्क्स देते हैं उसकी परफॉर्मेंस प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो अटेंडेंस है उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे और आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो क्लास टेंथ में जो एग्ज़ाम रह गई है बच्चा पार्टी वो अब होने वाली नहीं है बात करें अगर हम क्लास ट्वेल्थ की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना बारह जितने जो सब्जेक्ट हैं वो सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ के रह गए थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं जो सी बी एस ई कंडक्ट करना चाहती है और सी बी एस ई ने ये डिसाइड करा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम होगी कैंसिल नहीं होने वाली होगी एर ही सही बट वो एग्ज़ाम होने वाली है ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ तो अभी दो दिन पहले मैंने देखा अनुराग त्रिपाठी जो कि बहुत बड़े एक पोस्ट पर हैं सेक्रेटरी हैं सी डिपार्टमेंट के तो उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था ए न्यूज़ पर और लाइव टुडे इंडिया इंडिया टुडे पर भी उनका एक इंटरव्यू चला है आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे बच्चा ए का या फिर आप प्ले स्टोर से कहीं से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपकी वो वीडियो मिल जाएगा आप सुनिएगा उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ट्वेल्थ के जो सी की बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करना चाहते हैं सी ऐसा डिसाइड कर रही है और अच्छी बात यह है कि जब भी ये डिसीजन लिया जाएगा जैसे मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम डिसाइड होने वाली है टेंथ ऑफ मे को है ना या सपोज़ कर लीजिए फिफ्टीन ऑफ मे को डिसाइड हो रही है कि होने वाली है जो चांसेस है कि चांसेस हैं कि सेकेंड थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ ऑफ मे में स्टार्ट होगा आपका एग्जाम जो कि रह गया था क्लास ट्वेल्थ का तो आपको दस दिन पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपको दस दिन पहले ही डिसाइड कर दिया जाएगा ऐसा सी सोच रही है तो क्लास ट्वेल्थ के जो भी बच्चे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे उनकी जो भी सब्जेक्ट रह गई है अपनी प्रिपरेशन जरूर करते रहिए प्लस एट द सेम टाइम जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा जैसे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ही होने वाले हैं ना तो कुछ सब्जेक्ट के अगर नहीं भी होते हैं ना तो आपके जितने सब्जेक्ट हुए हैं बच्चा उसी पर से आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा क्लास टेंथ के अंदर जैसा बताया वैसा ही क्लास ट्वेल्थ में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के एग्जाम है वो तो होंगे और उसी के बेसिस पर रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करा जाएगा राइट दूसरी सबसे खास बात यह कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हम बच्चों को सीधा डेंजरस में नहीं डाल सकते सब कुछ माहौल नॉर्मल हो डायरेक्टली एग्जाम ऐसा भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए हैं कि क्या होगा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा तो एक प्रॉपर सिस्टम के साथ ही सी जो है दावा करेगी ऐसे तो कर नहीं सकती वो और ये सब फिर चेक करने के बाद जब उनका इंटरव्यू था तो मैंने सी बी के वेबसाइट पर भी गया मैंने वहाँ विजिट करा तो सी की तरफ से ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर नहीं हुई है हालांकि जो इनके डिपार्टमेंट के जो हेड डिपार्टमेंट में जो लोग बैठते हैं जैसे ये त्रिपाठी जी हो गए और ये सब हो गए वो लोग इस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरनल बातें ही होंगी और जो कुछ भी अपडेट प्रॉपर तरीके से होगा बच्चा वो सी बी एस सी के वेबसाइट से ही होगा और जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन पीरियड के बाद में ही कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली लॉकडाउन पीरियड जैसे ये थर्ड में है यान कि दो दिन के बाद तो शायद सी बी की तरफ से ये चीज़ें आएँ बट इतना कंफर्म समझिए कि बहुत जल्द ही आपके एग्जाम का डिक्लेरेशन होने वाला है और रिजल्ट भी किस तरह से होगा वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है प्लस एट द सेम टाइम बच्चा देखिए मुश्किलें अगर आपके सामने हैं तो मुश्किलों से लड़ना भी आना चाहिए जो बच्चे इलेवेंथ में हैं जो ट्वेल्थ में जाने वाले हैं ट्वेल्थ में जाने वाले क्या इलेवंथ अगर आपने पास कर ही लिया होगा तो ट्वेल्थ में ऑब्वियसली जाओगे ही तो अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा स्कूल खुलेगा ट्यूशन सब कुछ स्टार्ट होगा उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए विथ ऑनलाइन तो एजुकेशन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इनफैक्ट हमारे ही वेबसाइट पर हमारे इस चैनल पर एस एस वी चैनल पर क्लास ट्वेल्थ के वीडियो ऑलरेडी दो साल पहले अपलोडेड थी बट फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि जो दो साल पहले की वीडियो लेक्चर्स थी उसमें जो वे ऑफ टीचिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है ऑब्वियसली सभी लोगों में चेंजेस आते रहते हैं तो मैंने भी बहुत सारे चेंजेस की है और वीडियो को काफ़ी शॉर्ट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर किया है मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर सो बच्चों आपके लिए वो ट्वेल्थ की जो वीडियोस है जो कि पुरानी है इस चैनल पर वो कभी भी यहाँ पर से प्राइवेट नहीं करी जाएगी डिलीट नहीं करा जाएगा आप वो वीडियोस भी देख सकते हो और साथ ही साथ हमारे डेली डेली एक दिन के गैप के बाद फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ की वीडियो लेक्चर चल रही है आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो एट्टी परसेंट यूट्यूब हमारा जो है वीडियो लेक्चर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्वेंटी एक्स्ट्रा में आपको नोट्स पी प्लस आपको मोक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी प्लस उसके साथ साथ न्यूमेरिकल के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगे जो कि हमारे वेबसाइट से मिलेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है आप वहाँ से जा कर के कोर्स के बारे में इंफॉमेशन ले सकते हो तो बच्चा ये वीडियो में यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग जो है इस तरह से काफ़ी सारी जो है अफवाहें भी फैलती रहती हैं तो आप उन सब के चक्करों में ना आए मैं आप अगर इस चैनल पे भरोसा करते हो तो मुझ पर विश्वास रखिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि एज ए ऑनलाइन एडुकेटर अन अकेडमी की लाइव क्लासेस फिर उसके बाद हमारे स्कूल की जो है सभी जगह पर चालू हो चुका है फिर आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ के वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे में टाइम निकाला जाए बट फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को सही डायरेक्शन देनी चाहिए ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आप अगर इलेवन के स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी फॉर ट्वेल्थ जरूर कर दीजिए और जो बच्चे क्लास टेंथ में थे वो भी अपने क्लास इलेवन की स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए विथ ऑनलाइन एजुकेशन चाहे मेरे चैनल से चाहे कहीं से भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है बच्चा तो आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले जहाँ से ज्ञान मिले जहाँ से मज़ा आए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा करते हैं अक्सर वही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं तो बच्चों अपने कदमों की काबिलत पर भरोसा करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जय हिंद थैंक यू सो मच